नमस्कार साथियों, आज के वीडियो में आपसे बात करने वाला हूँ एक और शोध आलेख आमंत्रण के संदर्भ में। आपसे लेख और शोध आलेख दोनों ही आमंत्रित किए जा रहे हैं और बेहतरीन विषय पर किए जा रहे हैं। जी हाँ, बेहतरीन विषय पर किए जा रहे हैं। और बेहतरीन विषय जब मैं बोल रहा हूँ तो समझिए यह विषय और ये या कहें ये प्रारूप मेरा भी फेवरेट है और मैं भी इस पर लेख भेजूंगा। इस बात का याद रखिएगा कि मैं स्वयं इस पर लेख भेजने वाला हूँ और यदि मैं किसी चीज़ पर लिखने वाला हूँ तो समझिए कि इतना इंटरेस्टिंग विषय रहा होगा, क्योंकि हर विषय पर ना ही मैं लिखता हूँ, बोलता ज़रूर हूँ, लिखता मैं कम ही विषय पर हूँ। तो यह विषय मेरा भी फेवरेट है। किस विषय पर और किन किन उप विषयों पर अपने लेख आलेख भेज सकते हैं, कब तक भेज सकते हैं, अन्य ज़रूरी जानकारियाँ और क्या क्या दस्तावेज आपको देने क्या करें, क्या क्या अन्य सूचनाएँ के साथ आपको यह वीडियो बनाया जा रहा है, तो अन्य सभी सूचनाएँ विषय उप विषय जानने समझने के लिए वीडियो को अंत तक तो आपको देखने की सहमत उठानी पड़ेगी। यदि सहमत नहीं उठाएंगे तो लेख नहीं भेज पाएंगे, क्योंकि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको केवल ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर ही दिया गया है। ज़्यादा जानकारी हो सकता है कुछ और जानकारी भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूं तरस खा कर, क्योंकि बहुत से आलेख में लोग कॉपी पेस्ट कर लेते हैं और जब आप चीज़ों को कॉपी पेस्ट कर भेजने लगते हैं तो आपके ज्ञान की जो कला है वह नष्ट हो जाती है और आत्मनिर्भर आप नहीं बन सकते हैं। जो मोदी जी आजकल कह रहे हैं आत्मनिर्भर भारत की बात कर, तो आत्मनिर्भर बनना है या दूसरों पर निर्भर बनना है ये आपको तय करना है। मैंने आपको वीडियो के माध्यम से एक छोटी सी सूचना आपके समक्ष भेजी है, उसको आपको कॉपी पेस्ट करना है या स्वयं के विवेक से लेख लिख के भेजना है ये आपको तय करना है। मैं आता हूँ वीडियो पर, फिलोसफिकल बातें नहीं करूँगा, कि अधिकांश व्यक्ति फिलोसफी नहीं समझते हैं और समझ कर भी अप्लाई नहीं कर पाते हैं। इसका विषय है हिंदी साहित्य में लेखिकाओं का योगदान। हिंदी साहित्य में लेखिकाओं का योगदान, लेखक नहीं है, लेखिकाएँ हैं। हमारे एक मित्र हैं अभी वर्तमान में जीवित भी हैं, एमए हमारे साथ किए थे, एमफिल जामिया से किए थे और पीएचडी दिल्ली विश्वविद्यालय से कर रहे हैं। हो सकता है उनका विषय भी यही है, लेकिन यह पुस्तक या शोध आलेख वह आमंत्रित नहीं कर रहे हैं, कोई और आमंत्रित कर रहे हैं। तो उनका भी विषय कुछ ऐसा ही था कि हिंदी साहित्य में लेखिकाओं, महिला लेखिकाओं का पतन और उत्थान, ऐसा कुछ विषय था। तो यह विषय है हिंदी साहित्य में लेखिकाओं का योगदान। इस विषय पर ISBN नंबर के साथ एक पुस्तक संपादित की जाने वाली है जुलाई महीने में, लगभग जुलाई से अगस्त महीने में। तो उसके लिए आपसे लेख आमंत्रित किए जा रहे हैं। अब इसकी उप विषय समझ लीजिए, कुछ नियमावली समझ लीजिए। सबसे पहली चीज, नियम बाद में बताऊंगा, पहले विषय बता देता हूँ। लेखिकाओं, जी हाँ, महिला लेखिकाओं, और ये जब मैं लेखिकाओं की बात कर रहा हूँ ये हिंदी लेखिकाएँ नहीं है, केवल जितनी भी भाषाओं की लेखिकाएं हैं आप उस पर लिख सकते हैं। बंगला लेखिकाएं हो, हिंदी हो, मराठी हो, बंगला हो, मलयालम हो, तेलुगु हो, कन्नड़ हो, मराठी हो, यानी कि भारतीय संविधान में वर्णित या भारतीय समाज में बोली जाने वाली सभी बोलियों की जो लेखिकाएं हैं, चाहे वे मूल धारा की हों या ऐसी धाराओं की समाज के लोग जानते नहीं हैं, उनका भी वर्णन कर सकते हैं। हर कोई उषा प्रेमदा को, महादेवी वर्मा को जानता है, लेकिन कुछ प्रतिशत लोग ही हैं जो आंडला, कपाला, गार्गी, मैत्री, पुष्पा को जानते हैं, जो लेखिकाओं के क्षेत्र में कार्यरत रही हैं। आपके विश्वविद्यालयों में शिक्षिकाएं भी रही होंगी, लेखन कार्य भी करती होंगी, लेकिन आप में अधिकांश लोग के अलावा उसको अधिकांश वर्ग नहीं जानता है। तो ऐसे विषयों पर भी लेखिकाओं को आप समक्ष लेख लिख के यहाँ प्रेषित कर सकते हैं, भेज सकते हैं, यह मेरा मानना है। और यही दृष्टिकोण है एक लेखक या लेखिका का, कि आप उसको एक विशेष दायरे में ना सोचें, ना समझें, ना फिट करें, एक वैश्विक पटल पर उसके लेखन को प्रस्तुत करें और वैश्विक पटल पर ही उसके दृष्टिकोण को समक्ष, अब उसके दृष्टिकोण को सभी के समक्ष रखें। अब मैं विषय बता देता हूँ। लेखिकाओं की उपन्यास में विविध आयाम, लेखिकाओं की उपन्यासों में विविध आयाम, लेखिकाओं की कहानियों में विविध आयाम, यानी कि कई लेखिकाएं कहानियां लिखती हैं, उपन्यास लिखती हैं, कई लेखिकाएं आत्मकथाएं लिखती हैं, कई लेखिकाएं नाटक लिखती हैं, नाटक यानी कि नाटक लिखती हैं, कई लेखिकाओं ने हिंदी काव्य भी लिखा है और कई लेखिकाओं ने बाल साहित्य भी लिखा है, बाल काव्य लिखा है, बाल साहित्य लिखा है, और इसके साथ साथ प्रवासी महिलाओं यानी कि प्रवासी लेख
लेखिकाओं का हिंदी साहित्य में योगदान। ये अच्छा विषय भी हो सकता है कि भारत से बाहर की ऐसी महिला लेखिकाएं जो अपने लेखन से हिंदी साहित्य में अपना जो भी योगदान देना चाहती हैं या दे रही हैं, लेकिन हमारे आपके आंखों के समक्ष नहीं आता है पढ़ने को, सुनने को, देखने को, ऐसे विषयों पर, ऐसी महिला लेखिकाओं पर भी आप लेख लिख सकते हैं, प्रवासी साहित्य पर लिख सकते हैं। याद रखिएगा, अंतिम विषय इसका है संत महिलाओं का हिंदी साहित्य में योगदान। और जब महिलाओं में हम संतों की बात करते हैं तो मीराबाई से अलावा कहीं जा ही नहीं पाते हैं। हम मीराबाई को याद रखते हैं, हम रज्जोबाई को नहीं याद रखते हैं, केशोबाई को याद नहीं रखते हैं, गार्गी को याद नहीं रखते हैं, रज्जोबाई को द्वारा नाम हो गया उसको याद नहीं रखते हैं, कबीरदास की पत्नी को याद नहीं रखते हैं, रैदास की बहन को याद नहीं। कि ऐसी जो भी महिला संत हैं और उन महिला संतों पर किन महिला लेखिकाओं ने अपनी कलम चलाई है और हिंदी साहित्य में उनके लेखकों का योगदान है, इस विषय पर भी आप लेख लिख सकते हैं। विषय में सभी विषय, आठों विषय बहुत अच्छे हैं, सभी को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आप समझिए विषय को और लेख लिखिए। और अब कुछ नियमों की बात कर लेते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी दी गई है। यदि मेरी बातें आपको स्पष्ट लगती हैं या कुछ बातों में द्वंद्व या भ्रम है, आप उनसे फ़ोन कर सकते हैं, ईमेल के माध्यम से अपनी बात को स्पष्ट रूप से वहाँ जान सकते हैं, पूछ सकते हैं, समझ सकते हैं, याद रखिएगा। और ये जो पुस्तक प्रकाशित होने वाली है, जो इसको प्रकाशित कर रहे हैं या कर रही हैं, वह एक नेशनल विश्वविद्यालय से संबंध रखते या रखती हैं, याद रखिएगा। तो ऐसा नहीं है कि कोई स्वतंत्र लेखक या लेखिका आपके समक्ष उत्पन्न हो गया है, प्रकट हो गया, आपसे लेख मांग रहा है अपने किताब के लिए, ऐसा नहीं है। जो भी ये लेखा है, लेखिका है, आपसे मांग रही हैं, एक विश्वविद्यालय में कार्यरत हैं और विश्वविद्यालय के द्वारा ही प्रकाशित भी होने वाली है। तो आप बेफिक्र रहिए, आप अच्छी जगह पर, अच्छे संस्थान में, अच्छे व्यक्ति को अपने लेख प्रेषित कर रहे हैं। क्योंकि मेरे चैनल पर आपको और भी वीडियो मिली होंगी लेखों के संदर्भ में। कुछ लेख कुछ विद्यार्थी मांगते हैं अपनी पीएचडी के लिए, कुछ लेख आपसे डेटा कलेक्शन के रूप में मांगे जाते हैं, लेकिन ये लेख एक पुस्तक के लोकार्पण और एक पुस्तक में संपादित होने के लिए मांगे जा रहे हैं। सबसे पहली चीज़, आपको अपने लेख को हिंदी में भेजना है। हिंदी यूनिकोड में भेज सकते हैं और कोकिला में भेज सकते हैं, दो फॉन्ट रखे गए हैं। यूनिकोड में भेजेंगे तो 14 का साइज होना चाहिए, कोकिला में भेजेंगे तो 18 का फॉन्ट साइज होना चाहिए। यूनिकोड साइज यानी कि फॉन्ट होता है, और फॉन्ट और साइज में फर्क, एक होता है फॉन्ट लिखने का, एक होता है फॉन्ट साइज का। तो यूनिकोड और मंगल में आप, कोकिला और मंगल में आपको भेजना है। इस बात को ध्यान से सुन लीजिए और समझ लीजिए, कोकिला और मंगल में भेजना है और फॉन्ट साइज आपका 14-16 हो सकता है। और कोई समस्या जो फ़ोन नंबर दिया है उस पर आप पूछ सकते हैं। हाथ से लिख कर, फोटो खींच कर, स्कैन कर देंगे, भेज देंगे, स्वीकार नहीं होगा। आप टाइप करके पीडीएफ कॉपी भेज देंगे, स्वीकार नहीं होगा। आप टाइप करने के बाद पीडीएफ कॉपी प्लस एमएस वर्ड की कॉपी भी भेजेंगे, क्योंकि एमएस वर्ड कॉपी में एडिटिंग हो सकता है, कुछ काट छाट करना हो, कुछ बदलाव करना हो, पीडीएफ कॉपी में बदलाव नहीं होता है। ओनली पीडीएफ भेजेंगे, स्वीकार नहीं होगा। एमएस और पीडीएफ दोनों ही करके भेजेंगे, स्वीकार होगा, इस बात का याद रखिएगा। अपना छोटा सा परिचय जरूर दीजिएगा, कहाँ से हैं, क्या पढ़ रहे हैं, क्या आपकी विषय रुचि है, फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी, एड्रेस सब दीजिएगा। 31 जुलाई 2020 तक आप अपने लेख भेज सकते हैं। 31 जुलाई 2020 आप अपने लेख भेज सकते हैं। ईमेल आईडी आपको दिया गया है डिस्क्रिप्शन, जैसे ही आप वीडियो के टाइटल पर क्लिक करेंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स खुलेगा, नीचे उसमें ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर दिया है। आप उस ईमेल आईडी पर ही अपने लेख को भेजेंगे 31 जुलाई 2020 तक। 31 जुलाई का मतलब है डेढ़ महीना है आपके, ये क्षमा कीजिएगा, ढाई महीना है आपके पास, बतेरा समय है, अच्छे से अच्छा लिख सकते हैं। एक महीने साहित्य को पढ़िए, एक महीना लेखिकाओं को पढ़िए, 15 दिन में लिख के भेज सकते हैं, इस बात का याद रखिए। फिर भी कोई समस्या आती है तो मुझसे आप पूछ सकते हैं। थोड़ा सा साहित्य पढ़ा है मैंने 2-3 वर्षों तक, उसका ज्ञान ले सकते हैं। जरूरी चीज़ें आपको बता दी है मैंने, किस फॉन्ट में लिखना है, किस भाषा में लिखना है, किस साइज में लिखना है, क्या ईमेल आईडी है, क्या फ़ोन नंबर है। और आप यदि लेख भेजने के बाद आपसे कुछ धनराशि भी मांगी जाएगी, यदि आपको पुस्तक लेनी है तो 551 रुपये उसकी राशि रखी गई है। जी हाँ, यदि आपका लेख स्वीकार हो जाता है, स्वीकार होने के बाद पुस्तक मूल्य में, ये पुस्तक में प्रकाशित होता है और पुस्तक आपको रजिस्ट्री से भेजी जाएगी, उसका ये मूल्य। क्योंकि लेख छपने के बाद आप भी चाहेंगे कि आप पुस्तक पढ़ें, अपने लेख को पढ़ें, तो वो पुस्तक की जो कीमत रखी गई है वही आपको, ये मत समझिए कि लेख छपवाने की कीमत है। ये मेरे पूर्व के वीडियो में भी कुछ लेखकों ने लेख के लिए धनराशि मांगी है, तो ये भूल जाइए कि पैसे छपवा कर, पैसे देकर अपना लेख छपवा रहे हैं। पुस्तक की जो राशि है, क्योंकि पुस्तक कोई फ्री में नहीं देगा आपको, क्योंकि पब्लिशर पुस्तक फ्री में नहीं छापेगा, उसको लेखक कोई पैसा देना है। और आप यदि पुस्तक पढ़ना चाहते हैं तो आप कहीं ना कहीं तो खरीदेंगे उसको,
ऑनलाइन खरीदेंगे, ऑफलाइन खरीदेंगे, कहीं से भी, तो पैसे तो उसको भी लगेगा आपको। डिस्काउंट जरूर मिल सकता है 5% 10%, लेकिन पुस्तक की कीमत तो लगेगी आपसे। तो समझिए, ये पुस्तक की कीमत मांगी जा रही है आपसे, ना कि लेख की कीमत मांगी जा रही है। आपके मन में या बहुत से विद्यार्थियों के, रिसर्च स्कॉलर के मन में होता है कि पैसे देकर छपवाए गए। जनाब, ऐसा नहीं है। पैसे तो हर कोई व्यक्ति देने को राजी है, लेकिन हर व्यक्ति का लेख नहीं छपता है, क्योंकि गुणवत्ता नहीं है, क्वालिटी नहीं है। वर्तमान समय में आपके लेख, आपके शब्दों, आपके विचारों, आपके भावों की यदि प्रासंगिकता नहीं है, तार्किकता नहीं है, प्रामाणिकता नहीं है, तो आपका लेख, आप कितना ही पैसा दे लीजिए, पब्लिश नहीं होगा, प्रकाशित नहीं होगा, और उसको कोई पढ़ेगा भी नहीं। तो पैसे से हर चीज़ नहीं छपती है। पैसे से कुछ चीज़ों को खरीद जरूर सकते हैं, लेकिन आप उसको अर्जित नहीं कर सकते हैं। तो राशि मैंने आपको बता दी है, डाक चार्ज भी इसमें है, पुस्तक का चार्ज भी इसमें है, 551 रुपये, याद रखिएगा। वीडियो 10 से 12 मिनट का हो चुका है, तो वीडियो को आपने पूरा देखा, आपका तहे दिल से सलाम, और वीडियो को शेयर करेंगे तो पुनः सलाम, चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकॉन जरूर दबाएं, तो सलाम सलाम सलाम, और इसमें लेख जरूर भेजें, ये मेरी दिल से प्रार्थना है। विषय अच्छा है, नया विषय है, जो आरोप लगता है प्रेमचंद और जैनेन्द्र पर। यदि जैनेन्द्र महिला की, एक पुरुष की जगह महिला होते, तो अपने उपन्यासों में नारी चित्रण के मनोविज्ञान को कैसे दर्शा पाते, और यदि प्रेमचंद की जगह कोई महिला गोदान या कफन लिखती, तो महिला पीड़ा को वह कैसे दिखाता। तो वही मौका आपको मिला है कि आप पुरुष होने के नाते महिलाओं के दर्द को किस प्रकार लिख सकते हैं, ये आपको तय करना है। और एक बात और, ऐसा मत समझिए कि इस लेख के लिए केवल पुरुष ही हैं, पुरुष महिलाएं सभी लेख लिख सकते हैं, किसी भी समाज, किसी भी क्लास, किसी भी राज्य, किसी भी राष्ट्र से हैं, आप लेख दे सकते हैं, स्वतंत्र हैं, इस बात का ध्यान रखिए, समझ लीजिए। वीडियो को आपने देखा, अभी तक शेयर भी कर चुके हैं, मैं जानता हूँ, लाइक तो आपने 100% कर चुका है, तो तहे दिल से पुनः सलाम, पुनः धन्यवाद। मेरे चैनल को पसंद किया, मुझे समय दिया, आपको बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, सलाम इंडिया।